अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत ही तो मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत ही तो मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। कुछ इसी एहसास का नज़ारा मंगलवार को गिरिडीह के गांवा मझने पथ पर दिखा। जिले के गांवा बाजार में लोगों की देशभक्ति के जज्बे की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। यहां सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव पहुंच रहे सेना के एक जवान का ग्रामीणों ने अनूठे ढंग से स्वागत किया। ऐसा स्वागत जिसके लिए कई नेता जीवन भर तरसते रहते हैं। लोगों का यह प्रेम देखकर रिटायर्ड फौजी भी अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाया और उनकी आंखें नम हो गई। गांव के मझने निवासी निरंजन सिंह के थल सेना से सेवानिवृत्त होकर गांव लौटने पर उनके स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। बता दें कि मझने निवासी निरंजन सिंह थल सेना के 14 ब्रिगेडियर का जवान थे और 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति होने के बाद मंगलवार 1 फरवरी को वो गांव लौट रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर मझने सहित प्रखंड के विभिन्न इलाकों से भारी संख्या में लोगों का हुजूम गांव बाजार में इकट्ठा हो गया और फौजी के पहुंचने पर उनके जोरदार अगवानी की गई। इस दौरान रिटायर्ड फौजी को लोगों ने खुली जीप में सवार कर उन्हें फूल मालाओं से बिल्कुल लाद दिया और डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते गांव बाजार से उनका पैतृक घर मझने तक पहुँचाया। तकरीबन 10 किलोमीटर का यह सफर मानो देशभक्ति के बयार से बह गया। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और दर्जनों बेलोरो व कार पर सवार होकर लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति की बयार बह रही थी। लोग चाहे जिस संप्रदाय जिस जाति बिरादरी के थे, सभी नतमस्तक थे, स्वागत में थे, खैर मकदम में थे। जय हिंद, जय भारत माता के सपूत। जन की बात भी ऐसे सपूतों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, खैर मकदम करता है। मैं ग्रेनेडियर निरंजन सिंह 17 साल देश की सेवा निस्वार्थ भावना से किया हूं और मुझे अपने आप को गर्व फील हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह पे अगर मेरा गांव का कोई भी लड़का उपाधि ले सके तो बहुत बेहतर है। नहीं, अगर आप दूसरे जॉब में होते तब आपको कैसा? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। हो सके तो मैं दूसरे जॉब में होता तो मुझे ये सम्मान नहीं मिलता और कहीं ना कहीं मैं करप्ट होता। आज मैं अपने आप को ऐसा फील करता हूँ कि मैं बिल्कुल रिश्वत की नज़र से बिल्कुल शुद्ध हूँ। मुझे कोई मेरे ऊपर ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने मेरे से 1 रुपया रिश्वत लिया और मैं बिल्कुल अपने आप को निस्वार्थ भावना से सेवा किया हूं और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। सरकार से अभी सेना को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और अच्छे हथियार, अच्छी डिसिप्लिन और अच्छी सैनिक हमेशा की तरह तैयार करते हैं और लड़ने के लिए हमेशा तात्पर्य रखते हैं और हमेशा मैं यही चाहता हूं कि इस तरह के सैनिक हमेशा तैयार हो और देश को हमेशा सेना के लिए हमेशा देश ने सोचा है और इसी तरह सेना में अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जिससे सेना को लोग छोड़ छोड़ के आए और सेना को बेकार कर सके। नहीं, कभी कभी विरोध के स्वर उठते हैं सेना के जवानों द्वारा, उसके बारे में आपको क्या कहना? विरोध के स्वरूप सेना के जवान इसलिए उठते हैं, अगर सेना के जवान हमेशा अपने आप को पेशेंस रखते हैं, अगर किसी कमांडर से गलती हो गया तो उस कमांडर को कभी हम गाली नहीं दे सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। छोटी मोटी जो काम करेगा उनसे गलतियां होती है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे को सरकार ने सेना को कुछ नहीं दिया, सब चीज़ दिया है और सब चीज़ अच्छा है। सेना का प्रति मैं इस तरह चाहता हूँ कि मेरे हर घर से सेना का एक जवान अपने जज्बे को साथ लेकर और देश के साथ लड़ने की, हर देश के प्रति लड़ने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा हमारा देश की शक्ति बढ़ेगी और आज हमारी भारत सरकार जो की है काफ़ी जगह नज़र आती है और काफ़ी जगह विदेशों में भी बोलते हैं इंडियन आर्मी, हाँ यस दिस इज़ पावरफुल,
मुझे गर्व, मैं बाहर गया था, आउट ऑफ लेबनान गया था, आउट ऑफ इंडिया लेबनान गया था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं इंडियन आर्मी में, और एक ऐसा लगता है कि गर्व फील कर रहा है, मैं अपने आप को लगता है कि मैं गांव का नाम रोशन कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा। इसीलिए इंडियन आर्मी सिर्फ पावर नहीं, डिसिप्लिन भी सिखाता है और घर को एक मजबूत बेस बनाता है। इंडियन आर्मी में आप रिटायर होने के बाद भी ऐसा सम्मान मिलता है, और आप शहीद होने के बाद भी सम्मान होता है, उसके बाद भी क्या, अपने उसके परिवार को पूरे लाइफ टाइम रिस्पॉन्स लेता है। इससे बेहतर मुझे कोई लाइफ का कोई जरिया और कोई भी भविष्य नहीं दिखता। इसीलिए लाइटनेस फ्यूचर, ज्वाइन द आर्मी।